हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल किंग ऑफ सोइंग मशीन आज हम उषा एल डिलक्स में ये व्हील जाम होना फूड कंट्रोल नहीं चलना मशीन अप डाउन नहीं करना उसके लिए हमने वीडियो बनाया है अभी व्हील ये जो जाम हो जाता है उसका कारण क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं अभी देखिए मशीन जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे देखो बहुत ही मशीन स्लो चल रही है फुल फुट कंट्रोल पुश दबाया तो भी मशीन बहुत स्लो चल रही है अगर व्हील घुमाए तो व्हील घूमता है लेकिन बहुत ही जाम हो गया है तो सबसे पहले क्या करना है आपको ये एक्सेसन टेबल आपको खोल के देख लेना है कि मशीन सेटल में से तो जाम तो नहीं है फिर आपको क्या करना है ये बॉब यहाँ पे देखना है ये बॉबिन केस को यहाँ पे बॉबिन केस को बाहर निकाल देना है अभी व्हील घुमा के देख लेना है देखो बहुत जोर लगाने के बाद बहुत धीरे धीरे बॉबिन घूम रहा है मतलब ये व्हील जाम हो गया है तो आपको ये सेटल तो एकदम फ्री है खाली है व्हील जाम है अगर सेटल अगर समझो बाई चांस सेटल के अंदर कपड़ा धागा फंसा होगा तो भी व्हील जाम हो सकता है अगर सेटल कपड़ा सेटल में धागा कपड़ा अगर कुछ फंसा होगा तो वो शटल खोल के आपको कपड़े को बाहर निकाल देना है मशीन फ्री हो जाएगा अभी यहाँ पे तो शटल फ्री है इसके लिए क्या करना है यहाँ पे देखना है आपको ये स्क्रू दिया हुआ है इसको यहाँ से आपको खोलना है ये खोलने के बाद क्या करना है यहाँ पे देखिए ये स्क्रू है इसको खोल के देख लेना है आपको अगर इसके अंदर धागा फंसा होगा तो ऊपर से भी दिख जाता है देखिए यहां पे देखिए अभी मैं व्हील घुमाता हूं बहुत जाम हो गई मशीन देखिए यहाँ पे धागा फंसा हुआ है ये धागा क्यों फंसता है मेरा वीडियो पूरा देखते रहिए मैं बताता हूं यह धागा क्यों फंसता है यहाँ पे अभी व्हील अपनी साइड घुमा के थोड़ा जोर से घुमा के इसको यहाँ पे लेवल में ला के आना है यहाँ पे देखिए एक स्क्रू है ये धागा बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है इसके लिए देख नहीं पाया भाई जी यहाँ पे देखिए ये स्क्रू है अगर हाथ से निकलता है तो धागों को ऐसा निकाल सकते हो आप नहीं तो जो मशीन के साथ ओपनर आता है ओपनर से भी आप काट के इसको निकाल सकते हैं यहाँ पर ऐसे ओपनर्स की सहायता से भी आप निकाल सकते हो कभी कभी क्या होता है ओपनर से अगर ज़्यादा निकल आ, बाकी धागा तो निकल जाता है बाकी अंदर के साइड फंसा हुआ है तो उसके लिए क्या करना है कोई अगर आपके पास कोई पेचकस होगा तो यहाँ पे देखिए ये स्क्रू दिख रहा है ब्लैक वाला इसको हल्की साइड व्हील व्हील पकड़ के इसको थोड़ा सा घुमाना है तो ये स्क्रू घूम जाएगा फिर ये धागे को क्या करना है आपको हल्के हल्के इसको ऐसा खींचना है देखो ये पूरा निकल गया धागा और क्या करना है आपको फिर से आपको स्क्रू को व्हील पकड़ के टाइट कर देना है अभी देखो मशीन हम चला के देख लेते हैं देखो बिल्कुल मशीन फ्री हो गया है अभी सबसे पहले ये धागा यहां पे क्यों फंसता है वो बताता हूं मैं आपको देखिए जब आप धागा डालते हो फर्स्ट स्टेप धागा यहाँ पे डालना है यहाँ से एक नंबर सीधा लेना है फिर सेकंड लिखा है यहाँ से यू टर्न फिर यहाँ से आप यू टर्न डालते हो फिर ये जो थर्ड टेकअप लेवर है कभी कभी डाउन रहता है आपको दिखाई देता है आप ऊपर व्हील घुमा के उसको ऊपर लेके जाते हो अभी यहाँ पे जब धागा डालना है यही मेन होता है यहाँ पे लिखा है लेफ्ट से राइट है सॉरी राइट से लेफ्ट है इसमें लेकिन बहुत सारे मेरे माता बहने क्या करते है ये लेफ़्ट से राइट डाल देते धागा मतलब यहाँ से उल्टा धागा डाल देते जैसे जैसे कि मैं फिर से बताता हूँ आपको ये धागा यहाँ से नीचे से आया फिर राइट से लेफ्ट डालना है और जब भी आप इसमें उल्टा धागा डालते हो तो बार बार धागा अंदर कटेगा और अंदर यहाँ पे फंस जाएगा तो ये प्रॉब्लम की वजह से धागा अंदर फंसता है तो ये गलती नहीं करना है आपको धागा नहीं फंसेगा आपका अगर मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू